देशभर में पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। 14 अगस्त को जब देश का विभाजन हुआ था, उसके बाद जो कत्लेआम हुआ था, जो लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, उसको लेकर के ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मंत्री सब लोग साथ में आए हैं और ये कनॉट प्लेस में ये मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए इस मार्च को यहाँ पर कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में इसको लेकर के आ रहे हैं। साइलेंट मार्च है जिसमें कि उन लोगों को याद किया जा रहा है जो इस विभाजन की विभीषिका से पीड़ित हुए तमाम लोग मारे गए। और जो बैनर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें उस वक्त घटित हुई थी, जो विभाजन हुआ था देश का, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब ये मार्च जो है धीरे धीरे अपने गंतव्य सेंट्रल पार्क की तरफ चलता चला जा रहा है और ये पहली बार इस तरीके से पूरे देश भर में स्मृति दिवस को मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।